जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद का वेस्टी कंबोजर एक जैविक कल्चर है। इसका घोल खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है, साथ ही इस घोल से आप कई प्रकार के प्रोडक्ट भी तैयार हो जाते हैं। ये मैं नहीं, वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णचंद जी के द्वारा कई तरीके बताए गए हैं। ये प्रोडक्ट फसलों के लिए बहुत ही काम में आते हैं। कई किसान इसका फसलों पर प्रयोग कर रहे हैं और उससे फायदा भी उठा रहे हैं। ऐसे में इसकी जानकारी सभी किसानों के पास पहुंचे, इस आशय के साथ आज हम एक नए तरीके यानी कि नए फार्मूले के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ आप बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएँ और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे फार्मूला नंबर 10 यानी कि बकरी के एड़ी से लिक्विड खाद। तो दोस्तों, बकरी का जो वेस्ट होता है उससे हम बहुत अच्छी लिक्विड खाद तैयार कर सकते हैं। और बकरी का वेस्ट यानी कि जिसको हम एड़ी बोलते हैं, और इसमें एक ख़ास बात होती है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बहुत ही ज़्यादा होता है। एड़ी में तो फास्फोरस और पोटास होता है, लेकिन उसके साथ जो बकरी का मूत्र भी आ जाता है तो उसमें नाइट्रोजन होता है। तो इस प्रकार इससे जो लिक्विड खाद बनती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो बहुत ही अच्छा फसलों पर काम करता है। तो दोस्तों, इसको कैसे तैयार करना है और इसको कैसे प्रयोग करना है, इसमें क्या क्या सामग्री होगा, ये सब कुछ हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बकरी का एड़ी यानी कि उसका वेस्ट 10 किलो चाहिए होता है, और वेस्ट डिकम्पोजर का घोल 100 लीटर की ज़रूरत होती है। एक बर्तन, प्लास्टिक का ड्रम इत्यादि हो तो अच्छा होगा, और एक कपड़ा। तो ये तो रहा सामग्री की बात दोस्तों, अब इसको कैसे बनाना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर का घोल होना चाहिए। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप वेस्ट डिकम्पोजर का घोल तैयार कर लें। तैयार करने का तरीका आप जान लें, क्योंकि जो किसान भाइयों को नहीं मालूम है उनको ज़रूरत होगी, इसलिए मैं तरीका बता रहा हूँ, आप इसे जान लें। वेस्ट डिकम्पोजर का घोल तैयार करना बहुत ही आसान। वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर ले लें और आप 2 किलो गुड़ ले लें, 200 लीटर प्लास्टिक ड्रम में पानी भर दें और कल्चर और गुड़ को इसमें मिला दें। दिन भर में 1 या 2 बार किसी लकड़ी या डंडे से इसको हिलाते रहें और 1 सप्ताह में ये तैयार हो जाएगा। और जब तैयार हो जाएगा तो आप इसका 20 लीटर दूसरे ड्रम में भर दें और उसमें पानी भर दें, 2 किलो गुड़ मिला दें और ये घोल भी इसी प्रकार 1 सप्ताह में तैयार हो जाएगा। तो लगातार आप जितना भी चाहें उतना घोल तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कितना आसान है घोल तैयार करना, और जितना भी चाहें उतना तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि वेस्ट डिकम्पोजर का घोल कैसे तैयार होता है। जब आपका घोल तैयार हो गया है तो आपको करना क्या है, तो आप एक प्लास्टिक का ड्रम जो आपने लिया है उसमें आप वेस्ट डिकम्पोजर का 100 लीटर घोल उसमें भर दें, और इसके बाद जो आप इसका बकरी का एड़ी लाए हैं उसे आप जो आपने कपड़ा लिया है कपड़े में इस एड़ी को भर दें, और फिर इस कपड़े को यानी कि एड़ी को इस कपड़े से गठरी की तरह बना लें। और जब गठरी बन जाएगा तो आप इस गठरी को जो आपने ड्रम में घोल रखा था उसी घोल में आप इसको डुबोएं यानी कि ड्रिप कर दें और उसी में रहने दें, यानी किसी लकड़ी से ऊपर से जो है आप उसको सपोर्ट दे दें ताकि उसमें वो लटका रहे। तो उसके जो जितना उसमें लटका रहेगा धीरे धीरे करके उस लिक्विड में जाना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसमें डुबो दें और इसको 10 दिन तक जो है उसी ड्रिप में रहने दें। वैसे ये 10 दिन के बाद ये जो है हमारा घोल फसलों पर स्प्रे करने के लायक हो जाता है और आप इसमें इसे स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद जितना आप उसमें से निकालें स्प्रे कर लें, उसके बाद उतना ही घोल आप जो है वेस्ट डिकम्पोजर का उसमें डाल दें, तो ये लिक्विड खाद उतना ही तैयार हो जाएगा। इससे फ़ायदे क्या हैं दोस्तों? इससे फ़ायदे हैं कि इसमें आपने देखा कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बहुत ज़्यादा होता है, और जो हमारी फसलों के लिए बहुत ज़रूरत होती है। और इसमें कई सारे ऐसे तत्व हैं जो मिलते हैं जो अन्य जो है किसी वेस्ट में नहीं मिलते हैं। तो इसमें सबसे ख़ास बात दोस्तों, हमारा जो इसका फ़ायदे की बात है कि बहुत ही कम यानी कि बिना किसी लागत के बहुत ही कम खाद में, यानी कि जहां आपके 5 टन 10 टन जो खाद यूज करते थे उसमें आप मात्र इस लिक्विड खाद से ही पूरी खेती कर सकते हैं। और इसको दोस्तों कैसे प्रयोग करना है, प्रयोग करना दोस्तों बहुत ही आसान है। जो आपने इसका लिक्विड तैयार किया है उसका 5 लीटर आप 100 लीटर पानी में मिला लें, और चाहें तो आप इसी 100 लीटर को आधा वेस्ट डिकम्पोजर का घोल डाल दें और आधा पानी मिला दें और इसमें 5 लीटर इस लिक्विड खाद को मिला दें,
और फिर जितनी भी आपकी फसलें हैं उनके पौधों पर आप इसको विधिवत स्प्रे कर दें, यानी कि पौधे को बिल्कुल ऊपर से नीचे तक बिल्कुल इसे तर कर दें। और ऐसे आप लगातार एक सप्ताह या 10 दिन के अंतराल पर 3 बार कम से कम करें और इससे आपको फसलों पर एक बहुत अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा और फसलें आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। तो दोस्तों, जहां आप इतने खाद की ज़रूरत होती है, ये 5 लीटर से ही आप अपनी फसल को तैयार करें और इसको खेतों पर स्प्रे करें और अपना फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं वेस्टी कंपोजर के फार्मूले। इस वीडियो में आपने देखा बकरी की एड़ी से लिक्विड खाद कैसे तैयार करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक नए फार्मूले के बारे में, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।